बर्मिंघम के एज वेस्टन में मंगलवार को बांग्लादेश को 28 रन से हराते हुए टीम इंडिया ने विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत टॉप 4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। दूसरी ओर बांग्लादेश का विश्व कप अभियान खत्म हुआ, हालांकि उसे पाकिस्तान से अभी एक मैच खेलना है। भारत की ओर से दिए गए 315 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 48 ओवर में 286 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम को 10 ओवर में 39 के स्कोर पर तमीम इकबाल के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद 16वें ओवर में सौम्य सरकार भी आउट हो गए। हालांकि शकीब अल हसन ने अपना बेहतरीन फॉर्म जारी रखा और एक और अर्धशतक लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था। 23वें ओवर में 121 के स्कोर पर मुशफिकुर रहीम, 30वें ओवर में 162 के स्कोर पर तीतन दास और 33वें ओवर में 173 के स्कोर पर मौसदे खौसर आउट हुए और लगातार विकेट वतन के कारण शाकिब अल हसन भी 34वें ओवर में 179 के स्कोर पर 66 रन बनाकर आउट हो गए। यहाँ से सब्बिर रहमान ने मोहम्मद सैफुद्दीन के साथ 7वें विकेट के लिए रन जोड़े, लेकिन 44वें ओवर में 245 के ओवर पर सब्बिर और 45वें ओवर में 257 पर मशवरी मुर्तजा के आउट होने से बांग्लादेश की जीत की उम्मीद खत्म हो गई। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।